हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करें कि इंस्टाग्राम के पुरानी आईडी कैसे खोलें। जैसे कि आपकी इंस्टाग्राम पर कोई पुरानी आईडी है, इसको आप पहले यूज करते थे, लेकिन अब आप अपनी पुरानी आईडी को ओपन नहीं कर पा रहे हो, आपको पासवर्ड नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यही वाली प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के पुरानी आईडी को खोलना चाहते हो लेकिन आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड भूल गए हो, फिर भी आप अपनी पुरानी आईडी को ओपन कर सकते हो, उसका पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो, कैसे करोगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लिया। आपके सामने सेम टू सेम यही वाला इंटरफेस आएगा जब भी आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे। अब आपको क्या करना है, मेरे हर एक स्टेप को ध्यान से समझना और अपने मोबाइल फोन में करते रहना। आपने इंस्टाग्राम को ओपन किया, यहां पर आपके सामने दो बॉक्स आते हैं। सबसे पहले यूजर नेम डालना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। देखो मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अपना यूजर नेम तो पता है लेकिन मुझे पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है। अब अपनी पुरानी आईडी को कैसे खोलोगे, ध्यान समझना। अब आपको क्या करना, इन दोनों बॉक्स को खाली छोड़ देने का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप अपनी पुरानी आईडी को यहां से लॉगिन नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉरगेट पासवर्ड, ये ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम का जो भी आपका पुराना अकाउंट है उसको आप फाइंड कर सकते हो, और उसके बाद आप उसका पासवर्ड फॉरगेट करोगे, उसके बाद आप उसको लॉगिन करोगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है फॉरगेट पासवर्ड, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा फाइंड योर अकाउंट। अब आपका इंस्टाग्राम पर जो भी पुराना अकाउंट है जिसको आप पहले यूज करते थे, सबसे पहले यहाँ पर आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, मेरी बात को ध्यान समझना। सबसे पहला ऑप्शन आता है यूजर नेम। अगर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम पता है तो आप यूजर नेम से भी फाइंड कर सकते हो अपने पुराने अकाउंट को। मान लेते आपको यूजर नेम नहीं पता, आप यूजर नेम ही भूल गए हो, या फिर यूजर नेम आपका ऐसे बता रहा है नो अकाउंट फाउंड, या कभी इसी प्रकार से भी दिखाता है। मान लो आप यूजर नेम सही डाल रहे हो लेकिन आपका अकाउंट शो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देनी। अगर ईमेल आईडी इंस्टाग्राम अकाउंट में लगी थी तो आपको ईमेल आईडी से भी फाइंड कर सकते हैं। अब मान लेते कि आपकी ईमेल आईडी अगर आपने नहीं लगाई, आपने इतना सोचा बिचारी नहीं की थी, तब तो आपने ईमेल आईडी नहीं लगाई है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर से फाइंड करोगे तो बहुत ही आसान तरीका होने वाला है। तो आपको क्या करना है, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो, चाहे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम। जैसे कि मुझे अपना यूजर नेम नहीं पता है, केवल मुझे अपना मोबाइल नंबर पता है, तो मैं आप अपना मोबाइल नंबर डाल देता, प्रोसेस सेम होने वाला है, चाहे आप किसी से भी अकाउंट फाइंड करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, यूजर नेम भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला। इस प्रकार से आपको डाल देना है, उसके बाद आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे कोड वेरिफिकेशन करेगा। दोस्तों अब आपके सामने इंटरफेस आया कन्फर्म योर अकाउंट, यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर डाला उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, आपको ओटीपी डालना पड़ेगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो मैंने ओटीपी डाल दिया, ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन है चूज योर अकाउंट। अब देखो मोबाइल नंबर डालने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला मोबाइल नंबर है जो कि मैंने फाइंड अकाउंट में डाला हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल। तो उससे क्या होगा कि आपने आज तक अपने मोबाइल नंबर से जितने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए होंगे सारे अकाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। देख सकते हैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मैंने अपने मोबाइल नंबर से आज तक मैंने 5 इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए टोटली, देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि मेरे 2 पर्सनल अकाउंट और 3 मेरे डेमो अकाउंट है, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप फाइंड अकाउंट में अगर अपना मोबाइल नंबर डालते हो तो आज तक आपने जितने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए थे सारे अकाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि आपके सामने आपके 4 अकाउंट आ रहे हैं, पुराने आपके 4 अकाउंट है जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप इनमें से किसी भी अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो विदाउट पासवर्ड। भले ही आपको पासवर्ड नहीं पता है, फिर भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो बिना पासवर्ड के। कैसे करोगे, जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट वाला अकाउंट मेरा टेक्निकल फ्री वाला जो कि मुझे लॉगिन करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। आपको जो लॉगिन करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे की साइड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शन आया है क्रिएट न्यू पासवर्ड। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई भी स्किप नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शन आया क्रिएट ए न्यू पासवर्ड। अब ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया है, मैंने अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया था, मैंने ओटीपी डाल दिया, उसके बाद इंस्टाग्राम को कंफर्म हो चुका है कि मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू पासवर्ड। अब आपको क्या करना, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पुराना पासवर्ड भूल गए हो, हमेशा के लिए भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड आप जो भी बनाना चाहते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया। सो इस प्रकार से आपको एक पासवर्ड बना लेना है अपने हिसाब से, आप जो भी बनाना चाहते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे,
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको सारा प्रोसेस लाइव दिखा रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। मैं आपको प्रोफाइल पर ले जाकर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है टेक्निकल फुजवाली, जो कि यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने इंस्टाग्राम के पुरानी आईडी को खोल सकते हो, वापस रिकवर कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है।